वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणोदयं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोपरुण धैयम सदा परिभवन्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम वीतातिहम पुनतपाल भवाद्दीपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरीजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मुई कदा कृपा करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाम्बुतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्यवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Nidehamadhyam sulabham sudurlabham plabham sukalabham guru karanadharam mayanukulena navasatiritam pumanubhavadhim natari tasvatmaha Nidehamadhyam sulabham sudurlabham plabham sukalabham guru karanadharam mayanukulena navasatiritam pumanubhavadhim Natari to so atmaha. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guruji ne bataye, Prakriti jay karna, thik hai, Prakriti jay karna hi bada baat nahi hai. Kya kehte ho? Haan, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, जगत गुरु जी ने बताए प्रकृति जय करना ही सबसे बड़ा बात नहीं है क्योंकि प्रकृति जय करने का बाद मेरा इरादा क्या है क्या मकसद है व्हाट इज माय गोल ये सबसे बड़ा चीज है प्रकृति जय करना बहुत बड़ा चीज नहीं है जब भी आदमी समझते हैं हमारा प्रकृति जय करना बहुत बड़ा चीज है वो तो है ही है फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे बड़ा चीज नहीं है क्योंकि प्रकृति जय करने का बाद आपका इरादा क्या है क्या टारगेट है आपका मकसद क्या है कोई अगर कहे भगवत सेवा करना भगवान का नित्य सेवा करना वो तो चलो ठीक है नहीं तो प्रकृति जय करने का बाद भी और मुसीबत आन पड़े आएगा प्रकृति जय करने का बाद अगर बुद्धि खराब हो गया या अगर कहे मायावादवान मायावादी विचार को ग्रहण करे तो कोई काम का नहीं ये तो बेकार है आत्मा का साथ हिंसा करना प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जीव हिंसा के इतना सुंदर व्याख्या किए हैं तमाम शास्त्रों छानबीन करे किसी को पता नहीं चलेगा इतना सीक्रेट विचार है प्रभुपाद जी ने बताए अक्सर आम आदमी समझते हैं किसी को फिजिकल असाल्ट करना किसी को मारना पीटना खून खराबा करना ये सबसे बड़ा हिंसा है आम आदमी ये समझते हैं लेकिन प्रभुपाद जी ने बताए हैं जीव हिंसा ये जो जीवात्मा है जीवात्मा तो ये शरीर नहीं है लेकिन पूरा जगत में यही भावना फैला हुआ है शरीर और आत्मा का साथ कन्फ्यूशन जिसको शास्त्रीय विचार में कहा जाता है देहात्म बुद्धि जिसको शास्त्रीय विचार में कहा जाता है देहात्म बुद्धि अर्थात इस शरीर में आत्मा बुद्धि करना तो अक्सर आदमी सोचते हैं कि किसी को मारना किसी को कुछ करना हिंसा ये हिंसा है प्रभुपाद कहते हैं ना जीवात्मा का जो सबसे बड़ा चीज़ है जीवात्मा के सबसे बड़ा जो चीज़ है वो भगवत सेवा करना इस विषय में अगर कोई ना बताए जानते हुए भी नहीं बताए पैसिव रहे ये भी जीविंसा और किसी को पर्पसली कर्मकांडों का रास्ते में चला देना भक्ति का रास्ता मोड़कर भक्ति का जो सहज स्वाभाविक जो वृत्ति है आत्मा का इसका बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देते हुए जीवात्मा को कर्म मार्ग में या जो गीता में वेद पुष्पिता वाचः
वेदों में इतना तरह तरह का जो लुक्रेटिव ऑफर है, लोभनीय, ये सब विषय में किसी को गाइड करना, चला देना, ये जीव हिंसा है, और जानते हुए भी नहीं बोलना। इसलिए प्रभुपाद अपना उपदेश में बताएं, गौड़ीय मठ का जो सच्चा भक्त है, ये कभी जीव हिंसा करने के लिए तैयार है नहीं है। इसका मतलब है, प्रभुपाद का कहना है, गौड़ीय मठ का वास्तविक जो साधु है, गौड़ीय मठ का साधु, चाहे गृहस्थी हो, चाहे मठ का आश्रय लिए हो, गृहस्थी हो या तो मठवासी हो, प्रभुपाद जी का कहना है, वास्तविक गौड़ीय मठ का भक्त जो है वो हर वक़्त ये चेष्टा करे, कोशिश करे कि उसको सही मार्ग में, भक्ति मार्ग में, विशुद्ध भक्ति मार्ग में, भगवान का रास्ते में चलाए, भगवान का सेवा का रास्ते में। ये अगर ना करे, प्रभुपाद करे हरि कथा हरि कीर्तन के द्वारा जीव हिंसा का रास्ता वर्जित करके जीवों को परम कल्याण के रास्ते पर चलाने का कोशिश करना, ये गौड़ीय मठ का मकसद है। अनलाइक अदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, गौड़ीय मठ के ये मकसद नहीं कुछ लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रॉफिट है, सब कुछ ये गौड़ीय मठ का मकसद नहीं है। इसलिए पॉपुलैरिटी के हिसाब में देखा जाए तो गौड़ीय मठ का विचार इतना कट्टोर है, इतना पक्का है, जिसमें आम आदमी का समझ में नहीं आता क्या है गौड़ीय मठ, क्या करते रहते। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताए हैं, प्रकृति जय करना ही सबसे बड़ा बात नहीं है, ये तो बड़ा बात है ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात ये नहीं, क्योंकि प्रकृति जय करने के बाद आप अगर भगवत सेवा का रास्ता चुन लिया तो ठीक है, अगर बोले ना हम नहीं करें, मायावादी का रास्ता चुन लिया तो गया तो और खतरनाक है। इसलिए हर वक्त विचार करना चाहिए, ये जो शरीर है हमारा, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकरण उधारम, ये शरीर जो मिला हुआ है, मानव शरीर, ये तो दुर्लभम मनुष्य जन्मो देहीनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, याद है ना, 11वीं महाराज का ये प्रश्न है। दुर्लभ मानुष जन्म देही नाम क्षणभंगुरा, ये तो है ही है, लेकिन ये भागवत का 11 स्कंद में बताए हैं, ये निदेह माध्यम सुलभन, आज इस मानव शरीर अहोभाग्य से प्राप्ति हुआ है, और जब भी अनित्य है, सुदुर्लभ, प्राप्ति करना कोई आसानी बात नहीं, बहुत जन्म के बाद 84 कोस जोनी भटकने बाद तो ये सौभाग्य होता है। और सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ, और लेकिन सुलभ हुआ है, सुलभ माने अभी प्राप्त हुआ है। अप्लवम मतलब एक किश्ती जैसा बोट, प्लवम भासमान वस्तु है, कहाँ भासे, जैसे नैया पानी में चल सकता, चलाया जाए तो, इसलिए प्लवम बोला है। सुकल्पम बहुत सुंदर, और इसमें गुरु कर्णधार है, गुरु माझदार है, चलाने वाले, उसको हृदय में चैत्य गुरु रूप में तो है ही है, भगवान का वास हृदय में। और भगवान कह रहे हैं उद्धव को, जो मयानुकूलेन माने मैं अनुकूल वातावरण
मैं अनुकूल वातावरण कर दिया, इसका मतलब है मेरा कृपा है, शास्त्र है, गुरु वैष्णव है, शास्त्रों का तमाम जो विचार है सब रख दिया, अनुकूल वायु जो बोट को चलाने में सहयोग करे, मयानुकूलेन नवस्यते ऋत्वम, ये अगर ऐसा सुविधा ऐसा सुविधा प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर ये भवसागर पार करने का चेष्टा ना करे तो पुमान भवाधिम न तरे तो स्व आत्महा, इसको आत्महत्वारे बताया गया, ऐसा बताया गया। आत्मघाती का व्याख्या करो तो पहले भी हम बताया था, आत्मा को मारा नहीं जाए, आत्मा को कभी मारा नहीं जाए। आत्मघाती का मतलब है आत्मा को जैसे उद्धरेद आत्मना आत्मनम, जो बताया था गीता में, अपने को सहयोग करो, आगे बढ़ाने का कोशिश करो, आगे चलने का कोशिश करो, आत्मा को गिराओ मत, माया का प्रभाव के द्वारा आत्मा को गिराओ मत, सोचते रहो। इसीलिए 28 नंबर श्लोक में जो चर्चा हुई थी ना त्रयोदश अध्याय का, ये जो 28 नंबर, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्वा आत्मनम् ततो याति पराम गतिम्। क्या बताया? समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्, जिसका बारे में उपनिषद का और एक श्लोक याद आ जाता है, ये क्या है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत् विजानतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत् विजानतः तत्रो क शोक को मोह एकत्वम् अनुपश्यतः, ये उपनिषद का श्लोक है। और ये जो गीता का श्लोक में ये बताया, समं पश्यन् हे भारतसभ, जिन्हें सर्वभाव सर्वभूत में समभाव अवस्थित हो, सर्वभूत हर जगह सर्वभूत में प्रतिष्ठित है, अवस्थित है, समम तिष्ठन निर्विशेष रूप को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन निर्विशेष रूप में समभाव स्थित सर्वभूत में, सर्वभूत में समम तिष्ठन और समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त आत्मा आत्मनम् ततो याति पराम गतिम्। क्या बताया? समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त आत्मानम् ततो याति पराम गतिम्। सर्व जीवों का अंदर में सर्वभूत में भगवान अवस्थित है, ओमनिसियंट ओमनिप्रेजेंट, और सर्व जीवों का अंदर में मानव जन्म मोक्ष उपयोगी। मोक्ष का जनरल साधारण अर्थ है अत्यंतिक दुख निवृत्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति है वो, अत्यंतिक दुख निवृत्ति सही ढंग से व्याख्या किया जाए तो गौड़ीय विचार का अनुसार ये विचार आता है भक्ति करना, ये सबसे बड़ा सुंदर विचार आता है ये भक्ति करना, क्योंकि भक्ति करने से तमाम दुख का समाधान परमानेंटली हो जाता है। सर्व जीवों का अंदर में मानव जन्म ही मोक्ष उपयोगी है, और मानव चेष्टा के द्वारा
आत्मा को अविद्वा का जाल से निकाला जाए अर्थात प्रकृति संसर्गो प्रकृति का प्रभाव से मुक्त होना संभव होता है। प्रकृति संसर्ग से मुक्त करके सर्वत्र समवस्थित परम पुरुष का अवगत होके वो आनंदमय स्वरूप में स्थिति लाभ करना। सर्व जीवों का अंदर में मानव जन्म ही सर्व मोक्षोपयोगी है। मानव आत्मचेष्टा के द्वारा आत्मा को अविद्वा का जाल से नेट से निकलकर अर्थात प्रकृति का प्रभाव से मुक्त करके प्रकृति संसर्ग से हैं मुक्त करके और सर्वत्र समवस्थित परम पुरुष भगवान को अनुभव करके वो आनंदमय स्वरूप में स्थिति लाभ कर लेता। इस विषय में 6 अध्याय में जो 5वां श्लोक है एनो श्लोक है जिसमें उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मनैव अवसादयेत ये जरूर सोचना चाहिए। और इसका बारे में 28 नंबर श्लोक में बताया ऐसा सुदुर्लभ जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति आत्मा का उद्धार के लिए चेष्टा नहीं करे वो आत्मघाती होता आत्मा का पतन कर देता है आत्मा को हनन करते हिंसा करते हैं आत्मा का साथ। जो लोग आत्मघाती हैं ये लोग प्रगारो तिमिराबृतो अंधेरा अंधेरा जो पतितिर अधर अधर ये बताया गया जो लोग आत्मघाती हैं ये लोग प्रगारो तिमिराबृत असुर का लोक में गमन करता है। ईशापनिषद का 3 नंबर श्लोक को देखना जरूरी है। असुरिया नामते लोका असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनु जनः आत्मा का सा जो हिंसा करता है आत्मा को पतन करा देता है उसका गति होता है असुर लोक में अंधेराच्छन्न। सर्वभूत में एक आत्मा अवस्थित है ये ज्ञान जिसका हुआ है ये कभी भी किसी का साथ हिंसा करने वाला नहीं है क्योंकि इसका अंदर में आत्म परोभेद ये मेरा है वो दूसरा है आत्म परोभेद नहीं टिकता है जिसका अंदर में। जो जीव जीव हिंसा जो नहीं करते वो आत्मों पर उसका अंदर में भेद नहीं है जिसका बारे में अभी बताया था ना वो जो श्लोक जस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मी भावत बिजानतः जो जानते हैं जस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मी भावत बिजानतः सर्वानि भूतानि जितना भूतग्राम है सबको अपना जैसा देखता है जस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मी अभूत बिजानतः बिजानत विशेष रूप में ज्ञात होता है जो आत्मा पर जिसका अंदर में भेद नहीं है सब प्राणी में भगवान का स्थिति है आत्मा का स्थिति है। आत्मा मतलब जीवात्मा जो भगवान का अंश है भगवान तो है ही है सर्वभूत में। ये जो जिसका अनुभव है इसके लिए क्या शोक है क्या मोह है जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मी भवत बिजानतः तत्र को शोक काम हूँ एकत्व अनुपस्थित सब एक जैसा देखते हैं इसका अंदर में भेदभाव नहीं टिकता है। हिंसा भेदभाव से ही आता है हिंसा का जन्म कहाँ है भेदभाव से अहंकार का जन्म है और हिंसा का जन्म सारे हैं। प्रभुपाद कहते हैं अपने को श्रेष्ठ मानने का कारण दूसरे को अपमान करने का इच्छा पैदा होती है। प्रभुपाद कहते हैं
अपने को अगर सबसे बड़ा समझे, हम जैसा कोई नहीं है, ऐसा अगर समझे तो जरूर दूसरे को नीचू समझेगा, ये जरूर है। और इसमें दूसरे को अपमान करने का, अपने को बड़ा देखने का ये जो विचार है, ये बहुत खतरनाक है। और ये बात को खुलासा किया, समम पश्य सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ता आत्मान आत्मनम ततो याति परम गतिम। हिंसा का बारे में प्रभुपाद का विचार अगर समझ में आए तो सारे समाधान है, बाकी कोई समाधान नहीं है। जो भी है, प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। 29 नंबर श्लोक का जो स्पर्श किया था, यहां तक चर्चा हुआ था थोड़ा। प्रकृत्वैव, प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मनम अकर्तारम स पश्यति। मतलब ये है, जो व्यक्ति सकल क्रियाकर्म जी चलते रहते हैं दुनिया में, तरह तरह का कर्म क्रियाकर्म चलते रहते हैं, और जो व्यक्ति सकल कर्मों प्रकृति का द्वारा संपादित हो रही है, आत्मा जो है अकर्ता, ये अकर्ता मतलब, अकर्ता मतलब ये नहीं समझना कि आत्मा इनएक्टिव है, पैसिव है, बिल्कुल कुछ नहीं। तो अगर ऐसा है तो भक्ति कौन करता है, ऐसा नहीं माने, ये नहीं माने। ये होता है आत्मा कभी ये जड़ जगत का क्रियाक्रम में कोई, इसका साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब प्रकृति का साथ चिन्मय आत्मा का कोई लेना देना नहीं। जब भी हमने विचार करके दिखाया, बहुत सारे विचार बताया, जब भी प्रकृति जड़ा है, कैसे प्रकृति में कैसे हम लोग ऐसे बोल रहे हैं प्रकृति क्रिया मानानी, ऐसे कैसे बोलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका सारे धीरे धीरे ये सब चर्चा हुआ था। और ब्रह्म संहिता के ये शोक विचार करें, और भी आश्चर्य है, जब भी प्रकृति जड़ है, पड़ा प्रकृति जो है, ये जो है चिन्मय प्रकृति, वो तो अलग है, लेकिन अपरा विष्णु शक्ति परा प्रकृति, ये सब जो श्लोक बताया था, इसमें प्रकृति जड़ा रूपा, लेकिन ब्रह्म संहिता का एक श्लोक जो है उसमें बताए, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, ये प्रकृति देवी जो है इच्छान रूपम अपि चेष्टते चौसा, याद है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस भुवनानि दुर्गा इच्छान रूपम अपि चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। यहाँ सफा लिखा हुआ है जे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय सब साधन शक्ति रेखा, अच्छाए का मापिक छाया, जिसका बारे में भक्ति में ठाकुर व्याख्या किया ना, जो अंतरंगा शक्ति भगवान का, यही वास्तविक शक्ति है, भगवान का अंतरंगा शक्ति वास्तविक शक्ति है। माया का डिफिनेशन बता रहे हैं भक्ति में ठाकुर, भगवान का जो अंतरंगा शक्ति है ये असली शक्ति है, लेकिन ये अंतरंगा शक्ति का बाहर कुछ शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन वास्तविक वो शक्ति नहीं,
वास्तविक अंतरंगा शक्ति नहीं रहने से इस शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है, इसका नाम माया शक्ति। सृष्टि स्थिति प्रलय सारे चल रहा है, साधन शक्ति रेखा छाये वो जस्सो भगवान ने विरुद्ध छाया का माफिक पकड़ा नहीं जाए, लेकिन चल रहा है सारे भूतों का माफिक चल, जैसे भूत अंदर में घुसने से चलता है सब, छाये वो जस्सो भगवान दुर्गा। और इच्छानुरूपम अपि, जस इच्छानुरूपम अपि, किसका इच्छा, इच्छानुरूपम अपि चेष्टते सा, गोविंद का इच्छा का अनुसार चेष्टते सा, सा मतलब ये प्रकृति। ये बड़ा आश्चर्य चीज है, महाप्रभु जी ने बताया कि जड़ा प्रकृति, प्रकृति जड़ा है, प्रकृति का कुछ ऐसा है, तमाम क्रियाक्रम जो है लगता है कि प्रकृति कर रहे हैं, ये मेरा शरीर है और जितना सारे इंद्रियोग्राम है ये भी एक फॉर्मेशन में आया। जब हम पैदा हुआ तो हाथ पैर त्वचा नख सारे हुआ, धीरे धीरे आँख आँख सारे इंद्रियोग्राम का फॉर्मेशन में आया। और इंद्रियोग्राम का ये जो एक एक करके अधिदेवता रहता है देवता, और ये लोग कैसे कैसे अदृश्य रूप में सारे क्रियाक्रम चलाता है समझ में नहीं आता, सारे इंद्रियों का एक एक अधिष्ठात्री देवता है। प्रकृति मैटर जड़ होने से भी कैसे कैसे क्या कर रही है समझ में आना बहुत मुश्किल है, बहुत विचार है, क्योंकि प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः या पश्यति तथा आत्मनम अकर्तारम सपश्यति। तत्वज्ञानी जो पुरुष है ये कभी अपना अंदर में ये भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं, ये तत्वज्ञानी पुरुष का अनुभव में आ रहा है, आता है प्रकृति ज्ञा माना, प्रकृति का जो त्रिगुण है सतरजतमो, इसके द्वारा क्षोभित होकर किसी का अंदर में काम का पैदा हो जाए, किसी का अंदर में क्रोध का पैदा हो जाना, ऐसा करके ऑटोमेटिक हो रहा है, यह प्रकृति का सतरजतम गुण का मैजिक स्पेल है। और जो तत्वज्ञानी पुरुष है वो तमाम दुनिया का क्रियाक्रम शरीर के द्वारा निभाने का बावजूद वो लिप्त तो नहीं होते। इसमें जैसे पद्म फूल का ऊपर पापड़ी जो है उसका ऊपर थोड़ा पानी डालने से पानी उसका साथ कोई, क्योंकि पिगमेंट है, एक तो स्लिपी, पद्म फूल का पानी दिया जाए पानी उसका साथ अटैच होता नहीं। ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष जो है शरीर का द्वारा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तमाम क्रियाक्रम निभाने का बावजूद अहंकार में लिप्त तो नहीं होते, ये समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जैसे हनुमान जी महाराज जी ने बताया पूरा लंका पुरी को जला के खाक करने का बाद हनुमान जी महाराज जी ने बताया हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया और हमने कुछ नहीं किया, भगवान जी कराए हम कराए, कुछ नहीं किया। तो जिसका अंदर में अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, वो शरीर नामक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी क्रियाक्रम करे इसमें इसका बंधन नहीं होने वाला है, किसी भी हालत से इसका बंधन होने का कोई चांस नहीं है। जैसे अर्जुन को बताया था भगवान युद्ध करने वाला तुम समझते हो कि तुम कर रहे हो, लेकिन प्रकृति क्रिया माना नहीं, क्षत्रिय होने के नाते स्वभाव के अनुसार ये इसी रास्ता में चलेगा, स्वाभाविक है। और जब समझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भगवान सब करा रहा है हम कर रहा है तो ठीक है चलो। प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः या पश्यति तथा आत्मनम अकर्त्वारम स्वपश्यति।
देहो ये सारे सारे इंद्रियां सारे एक फॉर्मेशन में आया, एक आकार की आकार आकृति धारण की। ये देह इंद्रियादि ये कोई फॉर्मेशन में आए, आकार आकृति धारण किया, ये भी प्रकृति इंग्रेडिएंट और चला रहा है प्रकृति का जो गुण है, तीन गुण, मत कर्म फल दात्री ईश्वर प्रेरिता, भगवान का प्रेरणा का अनुसार जीवों का जो पूर्व कर्म फल है इसके द्वारा ईश्वर का जो प्रेरणा एक ईश्वर प्रेरिता होके ईश्वर के द्वारा प्रेरिता होके होके प्रकृति समस्त कर्म कर रहा है। और हमारा आनिक संध्याबंधन में जो प्रचोदयात बोलते हैं इसका साथ इसका तालुकात नहीं, वो प्रचोदयात मतलब है गुरुचरण में आश्रय लेके अनुभव में आया, जो भगवान गुरु वैष्णव का आश्रय में आकर और यहाँ भगवान का चरण में ये प्रार्थना है भगवान मेरे को चलाए। भगवान तब चला सकता है डायरेक्टली हृदय में बैठकर जब शरणागत सिद्ध हो जाए, भगवान में चरण में शरणागत, तो भगवान अच्छा बुरा धीरे धीरे भगवान प्रेरणा देते रहे कि अच्छा प्रेरणा दे आगे चले। और शरणागति का पहले क्या होता है, इनडायरेक्टली पूर्व कर्मफल के अनुसार जो घटिया स्वभाव उत्पत्ति हुई ये प्रकृति का प्रभाव के अनुसार कर्म काम करते रहेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान का द्वारा ही है जो भी है। तो देहेन्द्रियादि आकार में एक फॉर्मेशन में आया, आने के बाद कर्मफल दात्री ईश्वर प्रेरिता जो प्रकृति तमाम कर्मों कर रहा है कर रही है समस्त कर्म, किंतु आत्मा जो है ये प्रकृति का कोई क्रियाकर्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मस्वरूप मैं जिसको मैं बोला जाए वो जीवात्मा जो है आत्मस्वरूप मैं कुछ नहीं कर सकता। ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो प्रकृति से मिला है ये जो क्रियाकर्म करता है प्रकृति का सत्वरजोतम गुण का प्रभाव के द्वारा, ये ऐसे ही भूतों का मैं भी चल रहा और आत्मज्ञान इस पुरुष आत्मस्वरूप सोचते रहते हैं कि आत्मस्वरूप मैं कुछ नहीं करता हूं। ये शरीर के द्वारा तमाम क्रियाकर्म करने का बावजूद वह अपने को अकर्ता समझता है, मैं कोई कर्ता नहीं हूं, ये सबसे बड़ा विचार है। प्रकृति कैसे, प्रकृति से किस प्रकार से विवेक उत्पन्न हो सकता है, यह प्रकृति का जो प्रभाव है, प्रकृति का ये प्रभाव को छानबीन करके देखने का बाद, तरह तरह का विचार बना के देखने का बाद, अनुभव करने का बाद, एक प्रकार का संबंध ज्ञान तो है ही, प्रकृति क्या है, प्रकृति का साथ भगवान का क्या रिश्ता है, मेरा साथ प्रकृति का क्या रिश्ता है, ये जड़ शरीर क्या है, आत्मा का साथ क्या रिश्ता, ये जो तमाम संबंध ज्ञान का विषय है। प्रकृति को छानबीन करके विचार करने के बाद प्रकृति से किस प्रकार से विवेक उत्पन्न हो सकता है, इस विषय में बताया गया 29 नंबर श्लोक में, तमाम क्रियाकर्म जो है कर्मगुली कर्म सब मुझमें अधिष्ठित अंतर्यामी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर प्रकृति हमारा शरीर मन बुद्धि सारे प्रकृति है, तो पूर्व कर्म फल के अनुसार अंतर्यामी रूपी भगवान के प्रेरणा के द्वारा प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। आई बात समझ में ना और कंफ्यूजन में आए, तमाम क्रियाकर्म मुझ में जो प्रतिष्ठित है भगवान अंतर्यामी रूप में भगवान है और जो जीवात्मा अंदर में बैठे हुए हैं, जीवात्मा का जो अपना पूर्व कर्मफल संस्कार है ये
पूर्व संस्कार के अनुसार अंतर्यामी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर ये जो शरीर मन बुद्धि जो है प्रकृति है ना, इसका ऊपर असर पड़ता है और एक क्रियाक्रम करने के लिए भागादौरी करता है। समस्त कर्मों ये तमाम क्रियाक्रम जो है मुझमें प्रतिष्ठित जो अंतर्यामी रूपी भगवान है इसके द्वारा प्रेरित होकर जीवात्मा का जो पूर्व कर्म फल है अच्छा बुरा जैसा ऐसे प्रेरणा मिलेगी, इसमें भगवान का कुछ करना नहीं। प्रेरित होकर प्रकृति के द्वारा अर्थात अपना शरीर के द्वारा क्रियाक्रम मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी है सारे प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा कार्य जो है हो जाता है और मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, प्रकृति का कोई विषय में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस विषय में निर्लिप्त है अकर्ता। ऐसा रूप से ऐसा विचार से जो व्यक्ति दर्शन करे ये वास्तविक आत्मदर्शी है, ये वास्तविक तत्वदर्शी है, आत्मदर्शी है। इसमें ये समझना जरूरी है जे विज्ञानंद स्वभाव आमी विज्ञान के द्वारा आनंद में ये आत्मा जो आनंदमय चिन्मय सतो ज्ञानमय ये बताया था ना, ये तो इसका बारे में बताया गया। इसमें ये विचार आता है जो विज्ञानानंद स्वभाव युक्त जो मैं हूँ ये युद्ध यज्ञादि दुखोमय कर्मों कुछ नहीं करता है, मेरा जो शरीर है मन है बुद्धि है सब प्राकृतिकगत है, प्राकृतिक क्रिया माना नहीं ऐसे होता है, किंतु अनादि भोग वासना के द्वारा अविवेक के कारण अविवेक के द्वारा चालित होकर हमारा जो भोग सिद्धि के लिए अपना वासना के अनुसार मुझमें अधिष्ठित परमात्मा कृतिक प्रेरिता प्रकृति जो है मेरा मन है बुद्धि है शरीर है, इस प्रकृति परमात्मा की कृतिक प्रेरित प्रकृति ई देहादि के द्वारा कराने में लग जाती है। सो ये प्रकृति भोगमूलक ये इस प्रकार की भोगमूलक माने भोग के भोग ओरिएंटेड इस प्रकार की भोगमूलक कर्म विषय में प्रकृति को ही हेतु माना जाए कर्मकारिणी और इसमें से पृथक जो शुद्ध आत्मा जीव है मैं अकर्ता ये विचार होनी चाहिए। शुद्ध आत्मा जो है इसको अगर विचार बताया जाए आत्मा इनएक्टिव है तो सरासर गलत है। यहां कहने का मतलब है विशुद्ध आत्मा का साथ प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्रकृति को इनएक्टिव बताया। वास्तविक रूप में ये जो आत्मा है आत्मा का वृत्ति या भक्ति तो ये आत्मा जो है निष्क्रिय नहीं है, एब्सोल्यूट निष्क्रिय नहीं है। ये जो निष्क्रिय का बारे में बताया गया ये कारण ये है जे आत्मा माया के द्वारा वशीभूत होकर जी अवस्था में स्थिति में अभी है उसमें ये जो ओरिएंटेड है माया का जोड़ा हुआ है सब भूतों का में भी चल रहा है, लेकिन शुद्ध आत्मा जो है ये निष्क्रिय बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है, एब्सोल्यूट निष्क्रिय नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है भक्ति करने में शुद्ध आत्मा का जरूरी है, तो प्रकृति का क्रियाकरण में आत्मा निष्क्रिय है ये बताया। ईश्वर
अंतर्यामी के रूप में प्रेरणा दाता होकर भगवान अंतर्यामी रूप में जो सकल जीव का अंदर में प्रेरणा दाता होकर भी खुद इसमें अकर्ता ही रहते हैं। अकर्ता उसका मत जिसका बारे में गीता का श्लोक बताया था ना आदत्त कस्यचित, जिसका बारे में बताया था भगवान कह रहे हैं ना आदत्त कस नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतिं विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनम मुह्यन्ति। नादत्ते कस्यचित कोई पाप पुण्य का बारे में भगवान का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जीव का पूर्व कर्मफल के अनुसार जो संस्कार हुआ है मलिन भाव है उस और जो शरीर पकड़ा हुआ है ये इंद्रियां ये शरीर आकार धारण किया है और जो मन बुद्धि चित्त सारे मटेरियल है इसके द्वारा ये शरीर के द्वारा जो कर्म चल रहा है इसको प्रकृति क्रिया माना नहीं माना गया। शुद्ध जीवात्मा अंतर्यामी भगवान तो इस विषय में कोई लेना देना नहीं है, अकर्ता तो है ही है, ये कहने का कोई दरकार ही है नहीं। जो श्वेत स्वरूप उपनिषद का बारे में बताया था ना, दो पंछी एक वृक्ष में बैठी हुई है, है? एक निरण्य है एक संसार वृक्ष का सुख दुख नामक फल को भोजन करते रहते हैं एक वृक्ष, ये सब बारे बताया था पहले। तो इस विषय में प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः य पश्यति तथा आत्मनम अकर्तारम सपश्यति, ये बात है। शुद्ध आत्मा जो है ये मेटेरियल जगत में मेटेरियल क्रियाक्रम मेटेरियल जगत में जो गुणों का प्रभाव है इसके द्वारा कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये शुद्ध आत्मा जो है शुद्ध आत्मा एब्सोल्यूट स्टेज में इसका भक्ति करने का काम है, भक्ति इज ऑल्सो एक्शन, सो एकवरे एब्सोल्यूट ये निष्क्रिय ऐसा नहीं, ये प्रकृति के साथ उसका कोई लेना देना नहीं इस विषय में है बताया गया। शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा जो जीव है ये प्रकृति के साथ कोई लेना देना नहीं है क्रियाकर्म में, इसलिए अकर्ता। लेकिन शुद्ध आत्मा जो है एब्सोल्यूट स्टेज में ये निष्क्रिय नहीं है, भक्ति करना है इसका काम, तो ये तो इनएक्टिव नहीं है। ईश्वर हर जीवों का अंदर में बैठ के अंतर्यामी रूप में जीवों का पूर्व कर्मफल के अनुसार प्रेरणा देने वाले होने से भी भगवान अकर्ताई है, भगवान निष्क्रिय है। भागवत जी में बताया गया शोक हर्षो भय क्रोध लोभो मोह स्पृहादयो अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनम्। ये जो शोक हर्षो भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयो अहंकार ये जो देखा जाता है शरीर के अंदर में ये आत्मा का विषय नहीं है, आत्मा का साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। शोको हर्षो भयो क्रोधो लोभो मोहो स्पृहादयो अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। ये जो शोक हर्षो भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयो अहंकार ये सारे दिखाई पड़ते हैं, ये जन्म मृत्युश्च अर्थात जड़ो शरीर का हाथ तालुकात है, आत्मा का साथ इसका कोई तालुकात नहीं है, इसका कोई तालुकात नहीं है।
तीस नंबर श्लोक में आगे चलकर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति अतएव च विस्तारम ब्रह्मो संपद्यते तदा। जिस समय में ये भूत समूह है उसका आकार अगर शेप एंड डिजाइन आकार आकृति स्वभाव जो कुछ भी है ये सारे प्रकृति में अधिष्ठित है, प्रकृति से ही इसका विस्तार हो रहा है, ऐसा अगर अनुभव में आए तो ये ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। आई बात समझ में नहीं आए? जदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति अतएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस समय भूत समूह को भूत समूह पृथक पृथक भाव पृथक पृथक स्वभाव भाव आकार आकृति जो कुछ भी है तमाम अल्टीमेटली प्रकृति में है, प्रकृति में है मतलब प्रकृति के हमें है मतलब जन्म होने के साथ क्षिति अपतेज मरुद्भम के द्वारा मातृ कोख में एक अलग सा शेप एंड डिजाइन लेकर पैदा हुआ जीवात्मा शरीर पकड़कर। ये शरीर पांच भौतिक है, प्रकृति का दी हुई है, जब भी मातृ कोख में धीरे 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 ये सब होते आ रहा है। और जिस समय तमाम ये सब भूत ये सब जो कुछ भी क्रियाक्रम जो कि शेप एंड डिजाइन सारे प्रकृति का प्रकृति में अवस्थित है, प्रकृति से ही विस्तार लाभ करते हैं, ऐसा अगर अनुभव में आए तो ये ब्रह्म भाव को पढ़ता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कंकति समो सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लोते परम। ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। कहने का मतलब है जिस समय विवेकी आत्मज्ञानी पुरुष प्रलय के समय स्थावर जंगम जंगमात्मा जितना सारे भूत है सारे वही वही आकारगत पार्थक्य प्रकृति में स्थापित करता है। अलग अलग सा जो शरीर का जो आकार आकृति है ये सारे अल्टीमेटली द सोर्स इज प्रकृति, प्रकृति से आए से ऐसे आकार आकृति जो कोई है एकमात्र तो प्रकृति में अवस्थित देखता है। कहने का मतलब है प्रकृति के द्वारा ही मातृकोक में धीरे 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 एक एक शेप एंड डिजाइन लेके जीवात्मा तमाम जीवों का जन्म और लय होने के बाद मरने के बाद प्रकृति में समा जाना जितना सारे डिफरेंट काइंड ऑफ शेप एंड डिजाइन इन्फिनिटी सारे वे प्रकृति के अंदर में ही उसका समा जाए। और ये विज्ञान ये तत्व विज्ञान जिसका समझ में आए जिस समय विवेकी पुरुष प्रलय के समय में स्थावर जंगमात्मक भूत समूह तरह तरह का आकार आकृति का जो डिफरेंस है सारे प्रकृति में अवस्थित है एवं सृष्टि के समय में प्रकृति से ही भूतोग्राम का विस्तार हुआ है अलग अलग शेप एंड डिजाइन लेकर और लय होने के बाद भी प्रकृति में समा जाए वो शेप एंड डिजाइन कुछ नहीं रहने वाला। इस अनुभव जिसका अंदर में आए इस समय तत्काले इसका हृदय में प्रकृति के द्वारा भेद बुद्धि जो है प्रकृति के द्वारा जो भेद बुद्धि है ये भेद बुद्धि रोहित बन जाता। इस समय जो ये तत्व को अनुभव करे ये प्रकृतिगत हेटेरोजेनियस डिफरेंस प्रकृति एक है लेकिन प्रकृति के अंदर में ये जो डिफरेंस है प्रकृतिगत भेद बुद्धि सारे समाप्त तो हो जाता है। प्रकृतिगत प्रकृति का अंदर में
प्रकृति का अंदर में प्रकृति का प्रकृतिगत जो भेद ये सारे अलग अलग जो शरीर है प्रकृति का ही द्वारा इसमें जो भेदभाव अपेरेंटली दिखाई पड़ता है, जो जो तत्वज्ञानी है वो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं, भेदभाव रहित हो जाता है। तत्काल प्रकृति का तो भेद बुद्धि रहित हो जाता है, प्रकृति का अंदर में ही इसका जो डिफरेंस है अलग अलग का। स्वजातीय विजातीय ये जो भेद विचार है वेदांतों में, कभी इसका चर्चा काल करने की कोशिश करें। स्वजातीय विजातीय भेद है, स्वगत भेद, स्वगत भेद एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाए। जैसे बहुत सारे गोमाता हैं, एक गोमाता में स्वजातीय भेद, गो गो में भेद, विजातीय भेद मतलब गोमाता है और बकरी है या तो बिजार है, ये अलग से है, तो ये विजातीय। और स्वगत मतलब गोमाता के अंदर में आंखें हैं, नाक है, त्वचा है, स्तन, ऐसे ऐसे जो भेद है स्वगत, ये काल हम और क्लियर भी हम व्याख्या करेंगे, आज समय नहीं है। जिस समय ऐसा सृष्टि समय में प्रकृति से उत्पन्न जो जो भूतोग्राम जो है, ये सब आविर्भाव होने के बाद ये जो अलग डिफरेंस एक से दूसरे का जो अलग अलग जो पार्थक्य है, आकार आकृति शेप एंड डिजाइन सारे, ये अल्टीमेटली सोर्स प्रकृति है। मतलब प्रकृति से आई हुई है और प्रकृति में समा जाए तो अलग अलग सा आकार आकृति जो है प्रकृति में समा जाए। आई बात समझ में? जिस समय विवेकी पुरुष तत्वज्ञानी पुरुष प्रलय समय में स्थावर जंगमात्मक भूत समूह जो अलग अलग से आकार आकृतिगत पार्थक्य एकमात्र प्रकृति में ही अवस्थित हो देख सकता है, इसका अनुभव में आता है, एवं सृष्टि के समय में प्रकृति से अलग अलग संस्कार के अनुसार जो एक एक पैदा होता है पेड़ पौधा से लेकर तमाम जीवों का, ये भूत समूह का विस्तार जो होता है ये प्रकृति से ही आता। इस समय जब समझ में आता है सृष्टि समय से एक ही प्रकृति से ही भूत सकल का विस्तार है, ये अगर अनुभव में आए तो उस समय तत्काल उस समय में प्रकृतिगत जो भेद बुद्धि है इसमें, जिसके खातिर जुबोती नाम जुनू यथा जुनू जुबतू यथा, जैसे आकर्षण होता है ना जुबक जुबती में, ये भेद बुद्धि रोहित होने से बस मिट जाएगा, भेद बुद्धि रोहित हो जाता तत्व तो ज्ञान। इस समय शुद्ध चित्त तत्व निष्ठो, इस समय जीवात्मा क्या करे, शुद्ध चित्त निष्ठ होकर मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मतलब ब्रह्म के साथ चिदाकार ब्रह्म चिद चिन्मय, मैं चिन्मय हूं, ऐसा ऐक्य लाभ करता है, ऐसा यूनिटी आ जाता है, मैं चिन्मय वस्तु है। इस समय में शुद्ध चित तत्वनिष्ठ हो जाता है, होने के साथ ब्रह्म का साथ चिदाकार संबंध में ऐक्य स्थापन करता है, मतलब ब्रह्म चिन्मय वस्तु है, मैं भी चिन्मय वस्तु है, ये अभेद बुद्धि लाभ करने के बाद जीव दृष्टि स्वरूप परमात्मा के कैसे दर्शन करने के बाद अभिमान को त्याग करता है, इसका विषय में आगे चलकर व्याख्या हो सकता है। जीव जिस समय कभी कर्मफल के अनुसार देव योनि को प्राप्त किए, कभी मानव योनि प्राप्त करे, कभी भूत भूतोग्राम ये भूत हैं, मानवादी भूत सकल अलग अलग शेप एंड डिजाइन आकार आकृति लेकर पृथक रूप में, एवं देवत्व मानवत्व ऐसा जो पार्थक्य है डिफरेंस दिखाई पड़ता है बाहरी दृष्टि में जो प्रकृति के द्वारा हैं हुई है, प्रकृति का तो प्रकृति का लय के समय अनुभव करता है
जे सारे प्रकृति से हुआ है, पुनः सृष्टि के समय में भी प्रकृति से अलग अलग शेप एंड डिजाइन एक्सेट्रा हुआ है, ऐसा अगर अनुभव में आता है वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है, ये प्रकृति से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, प्रकृति विमुक्त होकर ये जीव ब्रह्मभूत हो जाता है, प्रकृति से मुक्त हो जाता है, प्रकृति के जो मैजिक है ये अनुभव करने के बाद प्रकृति से विमुक्त होकर ये जीव ब्रह्मभूत हो जाता है। प्रकृति विमुक्तो अपहृतो पापादि ब्रह्म का जो भी है ये हो जाता है। इस समय में ये अनुभव का विषय है जे मैं ब्रह्म हूँ, ये जो बातें हैं ये जीव बोलने से ही होता नहीं, कोई अगर जो जबरदस्ती बोले जे मैं ब्रह्म हूँ, अरे ऐसे तो है ही है लेकिन बोलने से साबित नहीं होता। जो व्यक्ति मैं ब्रह्म हूँ ये कथा बोलने से ही जीव ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं करे, जिसका ये अनुभव होता है, जिसका अनुभव में आया वो ब्रह्मभूत हो जाता है। प्रकृति विमुक्त पुरुष ब्रह्मत्व लाभ करने का योग्य हो जाता है, ये क्वालिफाइड हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा कब हो जाता है, जब प्रकृति का जो जो सारे जो ये जो चक्कर दिखाया इसको समझ में आए, प्रकृति विमुक्त हो जाता है, सब होने के बाद ही ब्रह्मत्व लाभ करने में इसका क्वालिटी जो है अनुभव होता है। प्रकृति के द्वारा जोड़ा हुआ अवस्था में, बद्ध अवस्था में ब्रह्मत्व लाभ का योग्यता एफिशिएंसी क्वालिटी क्वालिफिकेशन इसका अंदर में कभी नहीं आ सकता। प्रकृति का द्वारा जोड़ा हुआ है, प्रकृति का उपमान के प्रकृति शिष्ट जोड़ो देहादि युक्त अवस्था में हमें देव हूँ, मैं नर हूँ, मानव हूँ, ऐसा अवस्था में ब्रह्मत्व लाभ करना इसका लिए संभव नहीं। और एक बात और समझना जरूरी है, अरे जो ब्रह्मभूत ब्रह्मत्व लाभ कर रहा है ये भी चीज जातीयत्व विचार एकत्व, ब्रह्म के साथ मैं एक हूँ, ये विचार ऐसा है कि ब्रह्म चिन्मय है मैं चिन्मय हूँ, ऐसा है। इसका बहुत सारे प्रमाण हैं, कदापि ये संभव नहीं है सर्वत्व भाव में कोई जीवात्मा ब्रह्म हो गया, सर्वत्व रूप में इन ऑल स्क्वायर ब्रह्म बन गया ये हो नहीं सकता, लेकिन ब्रह्म भूत हो गया ठीक हो सकता है। जिस समय चीज जातियों ब्रह्मचिन्ह में मैचे इसे अनुभव में आता है तो एकत्व हो जाता है, आ सर्वत्व भावे ब्रह्म के साथ जीव होता है एकत्व, सर्वत्व रूप में ब्रह्म के साथ जीव का एकत्व एक कभी भी कदापि संभव नहीं है। ब्रह्मलाभ का योग्यता जरूर होता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, ये ब्रह्मत्व लाभ करने की मतलब ये नहीं, ये सर्वत्व रूप में ब्रह्म के साथ बराबर हो गया ये हो नहीं सकता, ब्रह्म जीव एक हो गए एकाकार हो गए ये नहीं, कदापि संभव नहीं। इसका बारे में श्रीमान महाप्रभु जी ने बताएं, मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद, महाप्रभु जी ने बताएं मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद, जीव मायाधीश ईश्वर मायाधीश है, माया का अधीश है, ईश्वर माया का अधीश है और जीव मायावश होने का योग्यता क्वालिटी इसका अंदर क्वालिफिकेशन है, माया का प्रभाव में आने वाला है आ सकता है। मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद महाप्रभु कहने, ईश्वर मायाधीश है और जीव मायावश है, महाप्रभु कह रहे हैं मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद
हेनो जीव ईश्वर संगे कहो तो अभेद महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे कैसे कह दिया कि ईश्वर और जीव अभेद है जबकि ईश्वर मायाधीश है जीव मायावश है। अरे हेनो जीव ईश्वर संगे कहो तो अभेद, कैसे आप कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है, कैसे कह सकते हो? ये कदापि संभव नहीं। सर्वतो रूप में ब्रह्मों के साथ जीवों का एकत्व प्राप्त होना संभव नहीं है कदापि। इसका बहुत प्रमाण है भागवत में, चैतन्य चैतन्य में बहुत सारे प्रमाण आ सकता है। तो ये श्लोक का थोड़ा व्याख्या हुआ 30 नंबर श्लोक का, यथा ना जदा जदा भूत पृथक भावम, जदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति अतएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस समय ये भूतोग्राम सारे जो कुछ भी है पृथक पृथक भावित सारे प्रकृति के अंदर है, प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति से लय, ये प्रकृति का ये जो रहस्यमय जो विचार है ये अगर किसी को समझ में आए तो ये स्वयं ब्रह्म भाव को प्राप्त करते रहते हैं। चलो ठीक है, 31 नंबर श्लोक में ठाकुर जी ने बताए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमो आत्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो ओपी कंतयो न करोति न लिप्यते। क्या बताया? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो योपी कंतयो न करोति न लिप्यते। हे कंतयो, अनादि और निर्गुण यही निर्विकार परमात्मा शरीर का अंदर में विराजमान होते हुए भी कोई कर्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। शरीर का अंदर में अवस्थित होने का बावजूद कोई भी कर्म करने का इसका कोई करता ही नहीं, वही कर्म करते नहीं है। बा गुणों बा कर्म फले लिप्त, कर्म फल के द्वारा लिप्त नहीं हो जाते। हर वक्त इसका अलग सा सुंदर एक स्थिति है, प्लेटफॉर्म है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थो योपि कंतयो न करोति न लिप्यते। भक्तिमान ठाकुर कह रहे हैं ब्रह्म संपन्न जीव ब्रह्म भाव संपन्न जीव तब देख सकता है कि आत्मा परम अव्यय, इसका कोई नुकसान नहीं है, अनादि है, निर्गुण है, ये देख सकता है। इस समय ये शरीर में रहते हुए भी, ये शरीर का अंदर में रहते हुए भी क्षेत्रों का ये जो क्षेत्रज्ञ विचार बताना, ये शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ इसका अंदर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीवात्मा है एक परमात्मा जिसका बारे में बताया था पहले भागवत से, सर्वोद्रिक उपदृष्टा तंग भजन निर्गुण भवे बताया था ना। भक्तमंड कह रहे ब्रह्म स्वभाव संपन्न जीव जब देखते हैं कि आत्मा परम अव्यय अनादि निर्गुण
या शरीर में अवस्थित होने का बावजूद क्षेत्रो धर्म में लिप्त नहीं है, संपूर्ण निर्लेप होके रह जाते। ये शरीर का अंदर में अवस्थान करते हुए भी क्षेत्रों का जो धर्म है, जो काम क्रोध आदि क्षेत्रों का जो विकार है, रिएक्शन है, इसके द्वारा इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लिप्त तो नहीं होते। क्षेत्र धर्म में इसका कोई अटैचमेंट नहीं है, अलग रहते हैं। लिप्त तो ना होने का जो विषय है बोला, लिप्त तो ना होके जीव क्षेत्रों का अंदर में कैसे अवस्थान करें महाराज, ये लिप्त तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन लिप्त तो नहीं होने का साथ साथ कैसे जीव क्षेत्रों को व्यवहार करता है, यूटिलाइज करता है। लिप्त तो ना होने से भी ये क्षेत्रों जो है, क्षेत्रों का जो गुणावली है, इसका जो रिएक्शन है, इसका साथ वो लिप्त तो होता ही नहीं, और फिर कैसे ये क्षेत्रों को यूज करता है, लिप्त तो नहीं होने का बावजूद कैसे क्षेत्रों को यूटिलाइज करता है, लिप्त तो नहीं होने का बावजूद कैसे ये जीव क्षेत्रों को यूटिलाइज करता है, इस बारे में बताए। पहले पहले श्लोक में विचार हुआ था, जो देव मानव आदि ये भूतोग्राम का जो आकारगत तो पार्थक्य है, आकार आकृतिगत तो जो पार्थक्य प्रकृति से ही हुआ है, सृष्टि काल में व्याप्त तो होता है, अलग अलग शेप एंड डिजाइन लिखे, एवं प्रलय काल में प्रकृति से ही विलीन हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा को प्रकृति से भिन्न दर्शन करे, ये ब्रह्मभूत बन जाता है। इस बारे में चर्चा हुआ, जब भी है अनादि है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् कोई अगर विचार उठाए, कोई अगर ऐसा विचार उठाए जे आत्मा को प्रकृति से और परमेश्वर से पृथक ज्ञान करने से, कोई अगर विचार करे, विचार उठाए जो आत्मा को प्रकृति से और परमेश्वर से पृथक ज्ञान करने से वो कृतकृतार्थ हो जाता, ये बात सही नहीं है। कोई अगर ऐसा बात विचार उठाए जे आत्मा को प्रकृति से और परमात्मा से पृथक ज्ञान अगर किसी के अंदर में आया, वो कृतकृतार्थ तो हो जाता है, ऐसा अगर कोई समझे, ये अयौक्तिक, ये ठीक नहीं है। क्योंकि भूतोगण जो है ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है, कहाँ अनुप्रविष्ट होता है, फिर लय हो जाता है, फिर उसका उत्पन्न होता है, ऐसे ही इन लोगों का मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, मृत्यु बोल के कोई चीज है नहीं। सो जीव ये शरीर का साथ उत्पत्ति और विनाश सुना जाता है, ये सुना जाता है कि जीव ये शरीर का साथ उत्पत्ति और इस शरीर का साथ ही विनाश प्राप्त होता है। अगर ऐसा विचार करे, ठीक है, फिर भी ये श्लोक में ये बताया गया, जीव शरीरस्थ होने का बावजूद, जीव शरीर का अंदर में प्रवेश किया पूर्व कर्मफल के अनुसार, फिर ये विचार रखना चाहिए कि जीवात्मा अनादि है, ये जन्म हुआ है शरीर का साथ, इसका पैदा हुआ है लगता है, लेकिन असलियत असली विचार ये है कि जीव शरीर का अंदर में प्रवेश किया,
और जीवात्मा जो है ये अनादि स्वरूप, ये अनादि स्वरूप है जीवात्मा, अनादि स्वरूप होने के कारण परम अभ्याय, जिसका कोई उसका कोई डिप्रिशिएशन, इसका कोई नाश नहीं है, व्यय नहीं है, व्यय मीन अव्यय मीन अव्यय मीन व्यय नहीं है, इसका कोई व्यय नहीं है, अपचय नहीं है। आर अव्यय प्रधान कर्म है तो जीव का विनाश भी नहीं है। आर जीव निर्गुण है, जीवात्मा जो है निर्गुण है, विशुद्ध आनंद जीवात्मा जो है, जीव निर्गुण है और विशुद्ध ज्ञानानंदमय स्वरूप। जीव निर्गुण है, इसका साथ साथ विशुद्ध ज्ञानानंदमय स्वरूप बोल के कभी भी युद्ध यज्ञ आदि कर्म में ये लिप्त नहीं होता। युद्ध व यज्ञ आदि जो कर्म है इसमें लिप्त नहीं होते, कुछ नहीं करते, पैसिव रहते। इसके खातिर, इसके कारण अतएव शरीर और इंद्रिय उत्पत्ति विनाश का साथ जीव स्वरूप का, इसके जीव शरीर और इंद्रियों का उत्पत्ति और विनाश का साथ जीव स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है। अतएव शरीर और इंद्रियों के उत्पत्ति और विनाश का साथ जीव का स्वरूप का कोई अटैचमेंट नहीं है, लिप्तता नहीं है। ब्रह्मभूत जीव शरीर का अंदर में रहने का साथ साथ रहने का बावजूद ब्रह्मभूत जीव, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो जीव है, ब्रह्मभूत जीव, ब्रह्मभूत जीव ओ शरीर का अंदर में रहने का बावजूद निर्लेप निर्लिप्त हो सकता है, रह सकता है। ब्रह्मभूत जीव शरीर का अंदर में रहने का बावजूद निर्लिप्त रह सकता है। सो सुतरंग शुद्ध जीव, जिस शुद्ध जीवेरी यहाँ जो बताया गया है, यह शुद्ध जीव का ही निर्लेप बताया गया। जो जीव माया कवलित है इसका बारे में नहीं बताया। सुतरंग जो शुद्ध जीवी जिस समय निर्लेप देखा जाता है, निर्लिप्त अवस्था में, उस समय परमात्मा, उस समय परमात्मा विभिन्न अलग अलग शरीर में रहते हुए भी अनादि निर्गुण अव्यय स्वरूप बोला जाता है। वो कभी भी ये शरीर में लिप्त, वो कभी भी इसमें कुत्रापि लिप्त होते नहीं, जोड़ते नहीं। तो बद्ध जीव बद्ध अवस्था में गुणलिप्त हो जाता है। बद्ध जीव जीवात्मा जब बद्ध अवस्था में है, जीव बद्ध दशा में गुणलिप्त हो जाता है और संसार दशा को प्राप्त करता है। किंतु परमेश्वर, परमेश्वर कदापि कदापि परमेश्वर किंतु परमेश्वर कदापि किसी अवस्था में भी गुण के साथ जोड़ता नहीं है, निर्लिप्त होकर रहता है। यही जीव और ईश्वर का अंदर में मेन जो डिवीजन है, पार्थक्य है, तत्वों में यही पार्थक्य है। इसी को ही बोला जाता है जीव और ईश्वर के अंदर में प्रभेद, अलग विचार। अगले वाला सुख में बताया गया यथा सर्वगतम शोक्षाद, यथा सर्वगतम शोक्षाद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। क्या बताया? यदा सर्वगतम
Shokshad akasam nopalipati. ऐसा कोई जगत में कोई वस्तु है जिसका अंदर में स्पेस आकाश नहीं है? ऐसा कोई वस्तु जगत में है क्या जिसका अंदर में आकाश नहीं है, स्पेस नहीं है? कोई नहीं सकता। यहां तक कि लोहा का अंदर में भी स्पेस है, सोने का अंदर में स्पेस है, डायमंड का अंदर में स्पेस, सब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जरूर है, बहुत मिनिमम लेकिन है। ये श्लोक में बताया भगवान, क्या उदाहरण दिया, यथा सर्वगतम शोक्षाद आकाशम नोपलिप्पते, जैसे आसमान जो है आकाश है, सर्व पदार्थों कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, वस्तु नहीं जिसका अंदर में नहीं है, कोई भी मेटल है, कोई भी वस्तु है, पहाड़ पर्वत हर कोई का अंदर में आसमान जरूर है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे आकाश जो है, स्पेस जो है, सर्व पदार्थ गतो होने का बावजूद इतना फाइन है, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म तो हेतु कदापि किसी जगह लिप्त तो नहीं होते, अटैच नहीं होते, इतना सूक्ष्म है ये, इतना सूक्ष्म है, फिर भी इसीलिए इतना सूक्ष्म है ये, इसका अटैचमेंट का कोई सवाल नहीं है, जोड़ते नहीं है किसी का साथ। ये आकाश आसमान जो है सर्व पदार्थो गतो होने का बावजूद सूक्ष्मत्व हेतु ये इतना सूक्ष्म है, ये कदापि किसी जगह लिप्त तो नहीं होते। ठीक ऐसा ही सर्व शरीर में रहते हुए भी आत्मा दैहिक ओ गुण दोष के द्वारा लिप्त तो होता नहीं। ठीक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया, यद्यपि ऐसा उदाहरण दिया किंतु समझना चाहिए कि सर्व शरीर में अवस्थित होने का बावजूद आत्मा भी दैहिक दोष गुण के द्वारा कदापि लिप्त नहीं होते। आकाश जैसे सूक्ष्मत्व प्रयुक्त सूक्ष्म होने का कारण सर्वगतो है, ऐसा कोई जगह नहीं जिसमें कि आकाश नहीं है, सर्वगतो होने का बावजूद दूसरा कोई विषय के साथ लिप्त होते नहीं। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सौगंध आ गया, ये हो सकता है, बदबू आ गया वायु का कारण है, लेकिन खुद लिप्त नहीं होते। आसमान जैसे सूक्ष्मत्व प्रयुक्त सर्वगतो होने का, सर्वभूत में विराजमान होने का बावजूद कभी भी किसी का साथ इसका संबंध नहीं, लिप्त नहीं होते, अटैचमेंट नहीं होते। ठीक ऐसे ही ब्रह्म भाव संपन्न विवेकी जीव, ठीक ऐसा ही उदाहरण दिया जाए कि ब्रह्म भाव संपन्न विवेकी जीव, ठीक ऐसा ही ब्रह्म भाव संपन्न विवेकी जीव सर्व शरीर में उपस्थित रहने का बावजूद ये शरीर का जो धर्म है, जो प्रकृति किया माननी प्रकृति मौन देह बुद्धि इसके द्वारा लिप्त होते नहीं। जीव सर्वदेहस्थित होने का बावजूद देहो धर्म में लिप्त नहीं है कदापि, सर्वदा सचेतन है। यथा सर्वगतम शोक्षाद आकाशम नोपलिप्पते सर्वत्रावस्थितो देहे जथात्मा नोपोलिप्पते, ऐसे आत्मा भी लिप्त होता नहीं वायु जैसे। कोई अगर ये पूर्व कोई तर्क उठाए
पूर्व पक्ष करे, ये शरीर पूर्व पक्ष अगर कोई करे कहे तो ये विचार है कि शरीर में अवस्थित होने का बावजूद जीवात्मा शरीर धर्मों के द्वारा लिप्त तो नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा पूर्व पक्ष करे, तर्क उठाए जे शरीर में अवस्थित होने का कारण जीवात्मा, कोई अगर ऐसा विचार पूर्व पक्ष करे कि शरीर में अवस्थित होने का बावजूद जीवात्मा शरीर धर्मों के साथ लिप्त होते नहीं, निर्लिप्त रहते हैं, ये कैसे संभव है? कोई तो विश्वास नहीं करे। इसको समझाने के लिए, इस तर्क को हटाने के लिए इसका जवाब ये है, जैसे आकाश तमाम वस्तु में प्रविष्ट है, आकाश पृथ्वीस्थो पंखादि ते पंखादि अर्थात कई भी वस्तु में, आकाश पृथ्वी स्थितो तमाम वस्तु में विराजमान है, कोई भी वस्तु है, लेकिन श्यो सूक्ष्म धर्मत्व हेतु कदापि इसका साथ उसका निर्लिप, हर वक्त निर्लिप रहते हैं, लिप्त तो नहीं रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भी देव ओ मानवादी से उच्च नीच योनि लाभ करने का बाद, ठीक ऐसे ही जीवात्मा भी कभी देव कभी मानव उच्चा नीचो योनि में जन्म ग्रहण करने का बावजूद शुद्ध स्वरूपे निर्लेप थकते पाए, ये शुद्ध स्वरूप में रह सकता अगर उसका प्रयास प्रचेष्ट है। जैसे आत्मा का व्याख्या किया, ऐसा ही जीव भी देव मानवादी उच्च नीच योनि में प्रवेश करने का बावजूद शुद्ध स्वरूप में निर्लिप्त रहने के लिए व्यवस्था इसका हो सकता है, रह सकता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, स्वरूप सिद्धि नहीं होने से, स्वरूप सिद्धि अगर जब तक ना होए बद्ध अवस्था में, किंतु जीवों का गुणोलेप, गुणों का मिश्रण, गुणों का प्रभाव से छुटकारा नहीं है। स्वरूप सिद्धि जब तक ना हो जाए बद्ध जीव बद्ध अवस्था में, लेकिन जीवों का जे गुणोलेप दृष्ट है, किंतु परमात्मा ते कभी गुणोलेप दृष्ट होता नहीं। जब तक स्वरूप सिद्धि ना हो जाए तब तक बद्ध अवस्था में जीवों का गुणोलेप अर्थात गुणों के द्वारा संमिश्रण मिक्सिंग हो जाना, गुणों के द्वारा आवृत हो जाना संभव है, किंतु परमात्मा के लिए कभी भी ऐसा संभव नहीं, संभव नहीं। इसीलिए भागवत में लिखा है, भागवत में दिया गया 11 स्कंद 11 अध्याय में 12वां श्लोक, न तथा बद्धते विद्वान तत्रो तत्रादयनो गुणानो प्रकृतिस्थो योपि संशक्तो यथा खं सविता अनिलः। न तथा बद्धते विद्वान तत्रो तत्रादयो गुणानो, विद्वान व्यक्ति तत्वज्ञान व्यक्ति न तथा लब्धते विद्वान तत्रो तत्रादयनो गुणानो और प्रकृतिस्थो योपि आशक्तो यथा खं सविता नीलः।
यथा सर्वगतम शोक्षाद आकाशम नोपलिप्पते यथा सर्वगतम शोक्षाद आकाशम नोपलिप्पते सर्वत्रावस्थितो देहे यथात्मा नोपलिप्पते। आई वह समय में आगे चलकर कह रहे हैं यथा प्रकाशयति एक कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, हे भारत, जैसे एक सूर्य जो है, एक सूर्य सूर्यदेव समग्र विश्व को प्रकाश करते हैं। हे अर्जुन, जैसे एक सूर्य समग्र विश्व को प्रकाश कर सकता है, इसका नाम है क्षेत्री। जैसे सूर्य एक सूर्य समग्र विश्व को प्रकाश कर सकता है, ऐसा वहां पे क्षेत्री अतः आत्मा ये भी समस्त क्षेत्रों को प्रकाश कर सकता है। मतलब ये है, ये आत्मा रहने का कारण ये शरीर मीनिंगफुल है। ये शरीर मीनिंगफुल तब है जो आत्मा है। तो माने ठीक है, जैसे सूर्य जो एक समग्र विश्व को प्रकाश कर सकता है, ऐसा ही क्षेत्री अर्थात देहोदारी जीव, ये जो आत्मा समस्त क्षेत्रों को प्रकाश करता है, नहीं तो मुर्दा बन के रह जाता, नहीं तो ये मुर्दा बन के रह जाता, क्या लेना देना। लेकिन भगवान प्रभुश्चित प्राण देते। एक सूर्य जैसे तमाम विश्वों को प्रकाश करते रहते हैं, इसी प्रकार क्षेत्री आत्मा वो समस्त क्षेत्रों को प्रकाश कर सकता है। भक्तिवेन ठाकुर कह रहे, हे अर्जुन, एक सूर्य जैसे समग्र जगत को प्रकाश कर सकता है, क्षेत्री आत्मा भी समस्त क्षेत्रों को ये भारत है अर्जुन, एक सूर्य जैसे समस्त जगत का प्रकाश करता है, क्षेत्री आत्मा भी ये तमाम ये शरीर जो क्षेत्र है, इसका जो चेतन धर्मों के द्वारा प्रकाश कर सकता है। चेतन धर्म है तो प्रकाश कर सकता है, नहीं तो प्रकाशित नहीं हो सकता। देहो धर्म में अलिप्त आत्मा, ये देहो धर्म में शरीर धर्म में अलिप्त आत्मा निजो धर्म के द्वारा स्वाभाविक रूप से ये शरीर को पोषण करता है, ये शरीर को शरीर में प्रकाश फैलाता है। शरीर में एक आत्मा होने का कारण टॉप टू बॉटम जो है, हेयर टिप्स चूलों का अग्रभाग से पैर का नाखून तक, ये जो इसका प्राण का जो संचार है, ये आत्मा के द्वारा प्रकाशमान होता है। ये शरीर क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, मतलब इसका अंदर में प्राण का संचारण दिखाई पड़ता है, पूरा तमाम प्राण का संचारण दिखाई पड़ता है। ये जो शरीर, ये देहोधर्म में अलिप्त आत्मा, इसका साथ अटैचमेंट नहीं है शरीर का साथ, फिर भी आत्मा रहने के कारण निजो धर्म के द्वारा, क्योंकि आत्मा प्रकाशमान है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, सब बताए से, आत्मा निजो धर्मों के द्वारा ये शरीर को पोषण करते रहते हैं जब तक जिंदा है। दृष्टांतों के द्वारा जमन सूर्य एक होने का बावजूद समस्त जगत को प्रकाश करते रहते हैं, ऐसा मापी क्षेत्री जीव भी अपादमस्तक अर्थात
चूल से नाखून तक सा तमाम जो प्राण का प्रकाश दिखाई पड़ता है ये क्षेत्र को प्रकाश कर सकता है अर्थात चैतन्य संपादन। अर्थात इसका माने है चैतन्य संपादन अर्थात चेतन भाव का जागृत कर देता है। आत्मा चले जाने से बस कुछ नहीं है। और अगला श्लोक जो है अगला श्लोक में बताएं एक क्षेत्रो क्षेत्र गयो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूतो प्रकृति मक्षंचो जे विदुर यानी ते परम। क्या बताया ये अंतिम श्लोक है ये अध्याय का। क्षेत्रो क्षेत्रो गयो रेवम अंतरम दिस काइंड ऑफ डिफरेंस ये जो साइंटिफिक डिफरेंस है क्षेत्रों का साथ क्षेत्रों का ये बताया भगवान। क्षेत्रों क्षेत्रों गयों रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा ये जानना जानना नहीं है ये जो अनुभव में नहीं उतारता है वो जानना जानना नहीं है जो अनुभव में उतारता नहीं। यहां बताया गया अनुभव के साथ मैं थियोरिटिकली जानता हूं इसमें कोई फॉल नहीं है इसमें माया नहीं छोड़े। भगवान ने तमाम शास्त्रों में महाभारत आदि भागवत पुराणों में दिखाया कैसे कैसे मुनि ऋषि जो है भागवत में प्रियव्रतो आदि सारे दिखाया अग्निध्रो प्रियव्रतो का लड़का अग्निध्रो कैसे कैसे ये लोग भजन करने गया और माया का प्रभाव से हिल गया कैसे आ किसी को अंदर में ऐसा ऐसा भाव आया जे मुनिनाम चौ विभ्रम अरे मुनि ऋषियों का भी विभ्रम हो जाता है तो हमारा हुआ तो क्या हुआ ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा बोलने से कभी भी आप तत्वज्ञानी बन नहीं सकोगे ऐसा तर्क उठाना उचित नहीं है। ये विचार हम लोग गुरु वर्गों से सीखा है मुनिनाम चौ विभ्रम बामन गोस्वामी महाराज भी ये व्याख्या करते थे मुनिनाम चौ विभ्रम मतलब मुनि ऋषियों का भी गलती होता है तो हमारा गलती हुआ तो क्या है ऐसा नहीं बोल सकता ऐसे बोलने से अपराध है ऐसा बोलना उचित नहीं है। मुनिनाम चौ विभ्रम इसका व्याख्या हमने सुना है गुरुवर्गों से ये मुनि ऋषियों ने गलती करके दिखाया एक एक करके माइलस्टोन को छोड़ के गया जिसको देख के बद्धजीव होश में आए समाधान निकाले। जितना सारे ऋषि मुनियों का जिंदगी का जो सब वैशिष्ट मुनि विश्वामित्र मुनि जो हुआ ऋषि सिंह मुनि ये लोग का जिंदगी की जो कहानी है वो हमारा अपना जिंदगी का साथ टैली करने जाए उचित नहीं है। ये लोग का जिंदगी तपस्या के द्वारा आग जैसा है जैसे आग में किसी भी चीज फेंका जाए चाहे रक्त मांस हो कुछ भी फेंका जाए वो भस्मीभूत हो जाएगा। जिसका बारे में श्रीमद् भागवत जी महापुराण का रासत रास पंचाध्याय का अंतिम श्लोक में बताया ना ये शंकर भगवान कर सकता है विषपान कोई बद्धजीव अगर करने जाए नकली करने जाए तो हर हालत में इसका मौत लिखा है। तो ऋषि मुनियों का जो गलती करने का जो बहाना है इसके द्वारा ऋषि मुनियों का जो गलती करने का जो बहाना है ये जो दिखाया इसके द्वारा एक एक करके हम शिक्षा लेके तत्वों को समझेंगे ये काफी है। लेकिन उल्टा व्याख्या करने जाए तो उल्टा है क्योंकि ये आग जैसा है। विश्वामित्र मुनि कितना गलती किया बाहरी दृष्टि में लेकिन आग जैसा जलता फिर भी शोधन हो गया। ये विश्वामित्र मुनि का मंत्र है ये हमारा गायत्री मंत्र है ना ये विश्वामित्र मुनि का है। आप बताओ विश्वामित्र मुनि इतना कुछ किया तो क्या किया जाए तो आग जैसा है इसका कोई दोष टिकता नहीं।
लेकिन बद्ध जीवों के लिए बड़ा मुश्किल है। जरा सा भी गलती कर दे, जरा सा भी गलती कर दे भारी पर जाएगा, जरा सा भी गलती कर दे भारी पर जाएगा, उसको मेकअप देना, क्योंकि जिंदगी इतना शॉर्ट, इतना कम समय का है उम्र, इसमें अपने को रेक्टिफिकेशन करने का सुयोग नहीं मिलेगा। चाहे मुनि ऋषियों का जिंदगी में ऐसा हुआ है, लेकिन अपना जिंदगी में ये सब करने जाए तो ये ऐसा ही रह जाएगा, वो भारी पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल। तो इसीलिए यह बात को समझना है, क्षेत्रो क्षेत्र गयो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूतो प्रकृति मक्षंच मक्षंच जे विदुर जानी ते परम। जो तत्वज्ञानी लोग क्षेत्रों क्षेत्रों का ऐसा मापिक जो तरह तरह का विचार बना के दिखाया, कैसा साइंटिफिक विचार, विज्ञान भित्तिक, विज्ञान के द्वारा आधारित विचार, ये अगर किसी का ये जो पार्थक्य क्या है, क्षेत्रों क्या है, क्षेत्रों को क्या है, ये जो भेद है साइंटिफिक, जो इसका जो डिफरेंस है, एवं भूत गणों का जो प्रकृति है, भूत गणों का शरीर से लेकर, शरीर का विक्रिया से लेकर, मन का विकार, बुद्धि का विकार, सारे ये जो भूत गणों का एवं भूत गणों का, भूत गणों का प्रकृति से रेहा, प्रकृति से रेहा होने का क्या रास्ता है, मुख को प्राप्ति करने का क्या रास्ता है, ये अगर किसी को समझ में आए, ये व्यक्ति ये सब जो है ये लोग करे, ये परम पद को प्राप्त करता है। जो लोग ऐसे आगे समझे वो परम पद को प्राप्त करता है। क्षेत्रो क्षेत्र गयो, क्षेत्रो क्षेत्र गयो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूतो प्रकृति मक्षंच जे विदुर यांती ते परम। यांती ते परम मतलब, यांती ते परम मतलब परम पद, परम पद या परम पद, ये जो व्याख्या किया यहाँ जो है, ये परम पद जो है, ये परम पद ब्रह्म पद, प्रेम भक्ति के द्वारा जो सेवा का आनंद जो है वो नहीं। क्षेत्रो क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूतो प्रकृति मक्षंच जे विदुर यान्ति ते परम। ये परम भाव को प्राप्त करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका थोड़ा फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ की। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, श्रद्धावान पुरुष, भक्ति विनोद ठाकुर का अपना अनुभव है ये, ये ऐसा नहीं कि हर संप्रदाय इसको ग्रहण करे, हमारा गौड़ीय संप्रदाय के लिए विशेष ये बहुत काम का है। भक्ति विनोद ठाकुर अपना अनुभव का बातें कह रहे हैं, श्रद्धावान पुरुष गुरु पाद पद्म आश्रय पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति चर्चा करते करते, अनुशीलन करते करते समस्त अनर्थ को नाश करने में समर्थ हो जाता है, समस्त अनर्थ नाश कर निष्ठा को प्राप्त करता है, निष्ठा को प्राप्त करता है, और चित अचित विवेकाभाव, ये जो निष्ठा को प्राप्त, भक्ति में ठाकुर कहना है, श्रद्धावान पुरुष गुरुपादाश्रय पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति का अनुशीलन करते हुए आगे चलकर तमाम अनर्थ को नाश कर सकता है, करके निष्ठा वस्तु को प्राप्त कर सकता है, और चित अचित विवेक अभाव। अनर्थ कहां से आता है, अनर्थों का क्या कारण है, इसका बारे में ये विचार जरूरी है। जो चित
ये चित वस्तु है, ये अचित वस्तु है, इसमें अपने को जोड़ना उचित नहीं होगी। हाँ, इसमें जोड़ना ठीक है, ये चित अचित फॉलो, ये जो चित अचित ये विवेक का जो अभाव है, ये अभाव के कारण ये चित और अचित ये दोनों में फर्क नहीं समझने के कारण अनर्थ उत्पन्न होता है। ये अनर्थ का मूल है। अर्थम अनर्थम भवयो नित्यम, ये अनर्थ जो है ये निवृत्ति कैसे होता है, ये अनर्थ का निवृत्तात्मक ज्ञान, ये अनर्थ अनर्थ का निवृत्तात्मक ज्ञान, अनर्थ ये अनर्थ का निवृत्तात्मक जो ज्ञान शिक्षा देने के लिए इसी अध्याय में ये अनर्थ निवृत्ति करने वाला जो ज्ञान है, ये शिक्षा देने के लिए भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं, ये अध्याय में क्षेत्र तत्व क्षेत्रज्ञ तत्व विचार पूर्वक तरह तरह का विचार बना के दिखाया गया महाभूत समूह अहंकार बुद्धि अव्यक्तो समस्त इंद्रियो पंचतन्मात्र पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध तमाम को जोड़ने का बाद 24 तत्व मिलता है, इसका नाम क्षेत्र है। 24 तत्व एक क्षेत्र है, इच्छा देश सुख दुख संघात इच्छा देश सुख दुख संघात ओ चेतनायतन मनोवृत्ति ओ धैर्य एग्रो सब, ये सब क्या है, ये क्षेत्रों का, ये शरीर जो है क्षेत्र है, ये क्षेत्रों का विकार है। इसके अतिरिक्त इसके अलग से एतद अतिरिक्त कार्यकरण रूपा प्रकृति अतीत अनादि मद्दास रूप प्रकृति एतद इसके अलावा जो कार्यकरण रूप प्रकृति जो है, प्रकृति का अतीत अनादि मद्दास रूप ब्रह्म संपत्ति योग्य चित्कण रूप जीव सर्वव्यापी हमारा अंश रूप परमात्मा, अर्थात परमात्मा का अंश है। मम ही अंश जीव बोलो के जीव भूत सनाह तनाह, इसमें दो क्षेत्रज्ञ हैं, पहले भी बताया, एक क्षेत्रज्ञ हैं जो अपना एक क्षेत्रज्ञ अपना माना और अपना विचार के अनुसार चलाता है, एक क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा माया में फंसे हुए हैं, और एक क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है, क्षेत्रो क्षेत्रज्ञ दो क्षेत्रो और जीव रूप क्षेत्रज्ञों, ये दोनों का जब संयोग हो जाते हैं, जब क्षेत्रो ये शरीर और जीवात्मा जिसको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है, दोनों का जब संयोग होता है, इसका नाम है संसार। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का ये संबंध ज्ञान का जो चर्चा है, ये चर्चा करते हुए ये माया का पार हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सके। भगवान ने बताया क्षेत्रों रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूतो प्रकृति मोक्षंचो जे विदुर यान्ति ते परम, परम पद को प्राप्त कर सकता है, ये नियम है, परम प्राप्त को प्राप्त कर सकता है। ये अंतिम श्लोक है, इसीलिए यहां ये अंतिम श्लोक है, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी महापुराण का जो त्रयोदश श्लोक है इधर बताया गया, श्रीमद् भागवत गीता
समान भगवत श्रीमद भगवद गीतायाम त्रयोदश अध्यायम ये जो व्याख्या है इसका समाप्त हो रहा है त्रयोदश अध्याय का। निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन लवस्वतीरितम त्वमान भवाद्धिम न तरेत स आत्महा इति श्री व्यास विरोचितम श्रीमद्भगवद्गीतायाम ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे प्रकृति पुरुष विवेक योग नामक त्रयोदश अध्याय समाप्त वांछकल्पद्रव श्रीमद्भागवते शतसहस्रायाम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्मो पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे प्रकृति पुरुषो विवेक योग नाम त्रयोदश अध्याय समाप्त वांछकल्पद्रव्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।